आप भी अगर दाल खा खा के बोर हो गए हैं तो ट्राई करें उत्तराखंड की ये फेमस भट्टे डुबके, जो खाने में इतने मजेदार होते हैं कि आपको उंगलियां चाटने को मजबूर कर देंगे। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आप कोई भी टिप्स और ट्रिक्स को मिस ना करें, और आपको इतने टेस्टी लगेंगे कि आप हमेशा इसे बनाएंगे। बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद कविता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। भटके डुबके बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए भटकी दाल। ये काले भट्टे हैं, भट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं काले और एक होते हैं वाइट, इसको हम ब्लैक सोयाबीन भी कह सकते हैं। ये नॉर्मली उत्तराखंड में होती है और वो भी हिमालय रेंजेस में होती है, मतलब कुमाऊं रीजन में आपको मिलेगी ये खाने को। हम इसको क्या करेंगे, इसको 7 to 8 hours के लिए सोक करके रख देंगे। मैंने इसको पूरे रात भर सोक करने के लिए रखा था, तो देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गई है और फूल के कितनी बड़ी हो गई है। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इस भट में जितना भी पानी था वो सब फेंक दिया है और इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 tablespoons चावल, ये भी मैंने भिगा लिए थे थोड़ी देर पहले। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है, वरना क्या रहता है ये जो भट होते हैं थोड़े छरछरे से हो जाते हैं, मतलब बिखरे बिखरे से, एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। और साथ में मैंने लिए 2 green chilies, इनको भी इसके साथ ही पीस लूंगी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और एकदम बारीक नहीं पीसा है, देखिए मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है, मतलब अगर इसको बहुत बारीक करेंगे ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, मतलब थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे इसे। अब आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने लिए एक आयरन की कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैं डालती हूँ करीब 2 tablespoons मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल, और इसे अच्छे से गर्म कर लूंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, थोड़े से ऑयल से ही हो जाता है। तेल अब गर्म हो चुका है, इससे धुआं आने लगा है, तो इसमें मैं अब डाल दूंगी 1/2 teaspoon हींग या फिर एसाफोरेटा, 1/2 teaspoon मैं इसमें डालूंगी जीरा या फिर क्यूमिन सीड्स, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करती हूँ इसमें 1 onion, प्याज ये मैंने चॉप कर लिया है, इसको अच्छे से भून लेंगे 1 to 2 minutes तक। प्याज अब हल्का भून चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक 7 to 8, मतलब लहसुन है ये, और ये मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अगर आप लहसुन या और प्याज नहीं खाते हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, आप नॉर्मली हींग जीरा भी डाल सकते हैं, तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें इसके साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 teaspoon टर्मरिक या फिर हल्दी का पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। लहसुन एकदम बढ़िया से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये पिसे हुए भट। इनको थोड़ी देर हमें भूनना है, करीब 5 to 10 minutes तक भून के ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और इनका जो असली खाने का मजा है वो लोहे की कढ़ाई पे है। अगर आप इसको एल्यूमिनियम या किसी और कढ़ाई पे बनाएंगे नॉनस्टिक स्टील की, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा इसमें। इसको ऐसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे करीब 5 to 10 minutes तक, अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देंगे। 1 teaspoon इसमें कोरिएंडर पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल लेंगे, इसके साथ इसको भून लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस पे 1 liter पानी, इसको हल्का गुनगुना कर लूंगी, वो इसमें डालूंगी, क्योंकि अगर हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं ना तो क्या होता है इसमें गांठे सी पड़ जाती है, तो इसलिए हम इसमें ठंडा पानी नहीं डालते हैं, हल्का गुनगुना पानी डालते हैं। मैंने इसे 7 to 8 minutes भून लिया है, अच्छे से भून गया है ये, तो अब इसमें पानी ऐड कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और ऐसे चलाते रहेंगे। मैंने इस पे सारा पानी ऐड कर दिया है जितना मैंने लिया था, अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम में रख दूंगी और ऐसे ही पकाते रहूंगी करीब 30 to 40 minutes। पहले से क्या होता था, जो पहाड़ों में लोग इसे बनाते हैं, मतलब जब भी आप कहीं गांव वगैरह में जाएंगे उत्तराखंड के, वहां पर क्या होता है लोग इसे चूल्हे पे बनाते हैं और 1 to 2 hours तक पकाते हैं, बट गैस में तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए 30 to 40 minutes भी अगर आपने अच्छे से पका लिया तो ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हाई इन प्रोटीन होता है, हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखता है, लिवर को भी हेल्दी रखता है। किसी को जॉइंटेस हो जाता है तो उसको भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ये लें, ये बहुत जल्दी उसको ठीक कर देते हैं जॉइंटेस को। डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी अच्छे रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में।
नमक हम इसमें तब डालेंगे जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा। एक बॉईल आने तक आप इसको ऐसे ही चलाते रहिए। अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो ये फट जाएंगे, मतलब कर्डल हो जाएंगे, तो इसलिए हम नमक बाद में डालते हैं। ये धीरे धीरे बहुत स्लो फ्लेम पे पकते रहेंगे। जितना ज़्यादा पकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगे। इसमें एक बॉईल आ चुका है तो इसमें अब मैं नमक ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक चम्मच नमक डाला है। ऐसे ही पकाते रहेंगे धीरे धीरे। इसकी जो साइड्स है इनको स्क्रेप करते रहेंगे। इसमें ऐसे मलाई आते रहती है तो आप इसको ऐसे ही कढ़ाई पे डाल के ऐसे बीच में स्क्रेप करते रहिए। मैंने इसे 45 मिनट्स तक पका लिया और देखो कितने ज़्यादा कम हो गए हैं। मतलब पूरी कढ़ाई मैंने भर के बनाए थे और इतने कम हो गए ये पक पक के। तो बस गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिए के साथ। और अब मैं इसमें लगाऊंगी असली वाला तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच घी। इसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें डालूंगी जम्बू। ये पहाड़ों में ही मिलता है, मतलब पहाड़ियों में ही होता है। आप इसको अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो ये भटकी दाल है ये भी आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसको बेबी अनियन लीव्स भी कहते हैं। इसकी जो टेस्ट और स्मेल होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। एसिडिटी से बचाता है हमें कॉन्स्टिपेशन, और इसको हम स्टोर करके बहुत सालों तक रख सकते हैं। अब देखिए घी गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं डालूंगी जम्बू। एकदम गरम गरम घी में नहीं डालना है वरना ये जल जाएगा, फिर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसे डाल देते हैं इसमें। वाह क्या खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है ऐसे देख के। अगर आपके पास जम्बू नहीं है तो आप इसमें सूखी मिर्च और जीरे का भी तड़का लगा सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी होता है। इसको मिक्स करिए और एंजॉय करिए भात के साथ। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और अक्सर मेरे घर पे बनते हैं। सब लोग इसको अलग अलग तरह से बनाते हैं, बट मैंने आपको वही तरीका बताया है जो मेरी मम्मी बनाती है, क्योंकि मैंने ये अपनी मम्मी से ही सीखे हैं। ये देखिए इसमें जो नीचे की मलाई है ना, ये तो बहुत ही टेस्टी होती है। मतलब इसे नीचे की खुरचन भी कहते हैं। तो भी अगर इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको और कौन कौन सी पहाड़ी डिशेस देखनी है, वो भी मैं आपके लिए रेसिपी जरूर लेके आऊंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें।